झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी देखने को मिल रही है। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू झारखंड में अकेले चुनाव लड़ रही है और समय दर समय बीजेपी पर हमला भी कर रही है। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। झारखंड में एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी राज करती रही है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी पार्टी जेएमएम का राज रहा है। बिहार में जनता दल यू जिस प्रकार काम कर रही है, हम झारखंड में वही चाहते हैं, जनता भी वही चाहती है और इसलिए हम झारखंड में बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं ताकि जनता को एक सही विकल्प मिले। भ्रष्टाचार की बात आपने कही थी कि भ्रष्टाचार, हाँ, बीजेपी एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी है जो सांप्रदायिकता भड़का कर यहाँ अशांति फैलाती है, दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस आदि जो हैं राजद भी भ्रष्टाचारियों का जमात है। तो जनता को एक तरफ अशांति सांप्रदायिकता, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, तो तीसरा रास्ता नीतीश जी का जो मॉडल है जनता दल यू का, उसी आधार से हम लोग जनता से वोट लेकर झारखंड में एक विकल्प बनना चाहते हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू सरकार चला रही है लेकिन बिहार में जेडीयू इंजन और बीजेपी डब्बा है। बीजेपी मजबूरी में डब्बा बनाकर जेडीयू के साथ है। नीतीश जी के नेतृत्व में ही सब काम हो रहा है, बीजेपी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, इसलिए वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जैसे हम बिहार में शराबबंदी कर सकते हैं, यहाँ बीजेपी शराबबंदी की जगह शराब दुकान खोल रही है, इसीलिए बीजेपी का टैग हमारे साथ नहीं है, हम जनता के साथ हैं और सुशासन चाहते हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी के मुद्दे पर सालखन मुर्मू ने कहा कि अभी भी हम बाबूलाल मरांडी को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या बाबूलाल मरांडी जेडीयू का हाथ थामते हैं या नहीं। रांची से न्यूज के लिए रामदीन कुमार की रिपोर्ट।